भारत बनेगा ड्रोन हब, ग्रे जोन और हाइब्रिड युद्ध का बड़ा खतरा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा मंत्री के उस महत्वपूर्ण बयान की जिसमें उन्होंने भारत को ड्रोन हब बनाने की योजना और ग्रे जोन व हाइब्रिड युद्ध जैसे खतरों के बारे में बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में भारत सिर्फ पारंपरिक सीमा संबंधी खतरों से ही नहीं बल्कि आतंकवाद, साइबर हमलों और हाइब्रिड युद्ध जैसी नई चुनौतियों से भी घिरा हुआ है। ग्रे जोन और हाइब्रिड युद्ध ऐसे नए तरीके हैं जिनमें बिना किसी खुले युद्ध के भी दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ग्रे जोन का मतलब है वो स्थिति जहां सीधा युद्ध न हो लेकिन बड़े पैमाने पर शांति भी न हो। इसी बीच हाइब्रिड युद्ध में दुश्मन पारंपरिक हथियारों के अलावा तकनीक, मीडिया और साइबर हमलों का सहारा लेते हैं ताकि समाज और देश को कमजोर किया जा सके। भारत को इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत है और इसी दिशा में ड्रोन तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। ड्रोन न केवल निगरानी के लिए बल्कि सुरक्षा, कृषि और अन्य कई क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत को ड्रोन तकनीक का प्रमुख हब बनाने की पूरी योजना है जिससे न केवल देश की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। भारत का लक्ष्य है कि अपने रक्षा के साथ साथ हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऐसे तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बने जो न केवल हमारे सुरक्षा बलों को सशक्त बनाए बल्कि हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बार बार धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।